मेरा रेड फ्लैग जो होता है वो मटेरियलिस्टिक होना है। मिसाल के तौर पे अगर वो फैमिली आप में एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है आजकल जो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, जो मैच मेकिंग के लिए लोग आते हैं अक्सर, वो जब आके आपसे पहली बात ये कह दें कि उनको यानी इन लॉज को ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब करती है, तो अगर उन्होंने खुद से ये बता दिया है कि उनको एक ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब करती है, तो वो आपको वहाँ पर रेड फ्लैग हो जाना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको सारी उम्र फाइनेंशियली भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, उनका बच्चा आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है, आप सारी उम्र पैसे भी कमाएंगे, उनको खिलाएंगे भी, उनके बच्चे भी पालेंगे, ठीक है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, सही। तो इसके अलावा अगर वो आपसे चीज़ें डिमांड करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जी हमें तो फलां रेस्टोरेंट में दावत चाहिए, या हमारे तो बस हमारे यहाँ तो ये चलता है, हमारे यहाँ तो वो चलता है, हम तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स हो जाते हैं जो आपको पहले से नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे इंगेजमेंट्स वगैरह होती हैं उस पे भी वो बहुत सारी ऐसी डिमांड्स सामने रख देते हैं जिससे आपको समझ आ जाती है कि सामने वाले का माइंड सेट क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी तो रिश्ता बना नहीं है और डिमांड्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, रिश्ता बनने के बाद जब आप काफ़ी हद तक उनके ट्रैप में आ जाते हो उसके बाद डिमांड्स ना मानने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या बचती है। तो अगर आंखें खुली रखी जाएं तो रेड फ्लैग्स नहीं नज़र आते, रेड स्काइज़ नज़र आते हैं बड़े बड़े से। ओके